मैं आपसे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके मोटिवेशनल सिस्टम को डेवलप करता है। आप में से कितने लोग हमेशा मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं? कितने लोग? आई एम श्योर सभी फील करना चाहते हैं। पर ऐसे कितने लोग हैं जो कि डीमोटिवेटेड, लेजी, लैक ऑफ एनर्जी फील करना चाहते हैं? आई होप कि ऐसे लोग ना हो। जो मैं आज टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है पॉइंट ऑफ फोकस। पॉइंट ऑफ फोकस का मतलब हम किस थॉट्स के बारे में सोचते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम अच्छा सोचें या तो हम बुरा सोचें, या तो हम पॉजिटिव सोचें या तो हम नेगेटिव सोचें। इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा इंसान हो जो नेगेटिव सोचता ही नहीं, तो क्या फील? जस्ट लेफ्ट विद ओनली पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव एक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो हम सोचते हैं हम ऐसा फील करते हैं, हम वैसा एक्शन। हम अपने आप को ये चॉइस देते हैं कि हमको नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव सोचना है। मैं आपको कहता हूँ कि वो चॉइस हटा दीजिए, आपके पास चॉइस है ही नहीं। आपके पास बस एक ही चॉइस है कि आपको बस पॉजिटिव सोचना है और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। सो इन एनी गिवन सिचुएशन यू आर लेफ्ट विद टू चॉइसेस, यू थिंक नेगेटिव और यू थिंक पॉजिटिव। देयर इज नो नेगेटिव। जस्ट ट्राई इट फॉर वन डे, जस्ट ट्राई टू थिंक ओनली पॉजिटिव फॉर वन डे एंड सी हाउ यू फील। दिस इज गौरव नंदा सेइंग bye bye, take care and do try this technique.